99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी माँ भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, माँ मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। माँ परेशान हो गई। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहाँ बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस स्तर का भाषण दिया है उसका विश्लेषण किसी राजनीति शास्त्री को नहीं बल्कि बाल मानसिकता के किसी विशेषज्ञ विद्वान को करना चाहिए। देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री के मन में बालक और उसके बचपन की क्या छवि है, बाल बुद्धि का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री बचपन के मासूम उदाहरणों को राजनीति के क्रूर रूपक में बदलते जा रहे थे और पेश कर रहे थे। शुरुआत उन्होंने की देश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, लेकिन जल्दी ही मोदी अपने लेवल पर आ गए या जिस लेवल पर आए वहां प्रधानमंत्री को देखकर अच्छा तो नहीं लगा। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बालक, बाल मन और बाल बुद्धि का चित्रण किया है, घर परिवारों में माओं, पिताओं और परिवार के सदस्यों का बच्चों के प्रति नजरिया बदल सकता है। पता चल रहा था कि वे राहुल गांधी की आलोचना बच्चों के किस्सों से कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था कि इससे बच्चों के साथ सार्वजनिक जीवन में कितना अन्याय होता जा रहा है। यही आलोचना वे राहुल गांधी का नाम लेकर आसानी से कर सकते थे। पूरे भाषण में उन्होंने नेता विपक्ष का एक बार भी नाम नहीं लिया, जहां तक मैंने सुना। अखिलेश यादव का जरूर लिया और उन्होंने संबोधित कर तुलसी का दोहा पढ़ा, जिस तुलसी ने रामायण में भगवान राम के बाल रूप का कितना सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है, हठ का भी चित्रण किया है। प्रधानमंत्री पूरे भाषण में बालक और बालक बुद्धि का मजाक उड़ाते रहे। एक किस्सा याद आता है, आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे,
बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे, तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो, ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। कांग्रेस का, कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में जब जब बालक का जिक्र हुआ है, आप भी देखिए वह बालक कैसा है। वह रोता हुआ बालक है, झूठ बोलने वाला बालक है, अपनी गलतियों को छिपाने वाला बालक है, फेल हो जाने पर झूठ बोलकर जश्न मनाने वाला भाषण है। परीक्षा पर चर्चा करते समय प्रधानमंत्री फेल होने या कम नंबर आने को महत्व नहीं देते, लेकिन राहुल गांधी की सफलता को छोटा करने के लिए आज वो कम नंबर लाने को अपनी ही कही गई बातों से उलट जाकर महत्व देने लगे थे। प्रधानमंत्री के भाषण को और परीक्षा पर चर्चा में उनके दिए गए कम नंबर के भाषण को आप मिलाकर सुनिएगा, आपको अंतर नजर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बचपन से उसकी स्वाभाविकता मासूमियत छीन ली। उनके किस्सों में जितनी बार बालक आया, बालक बुद्धि का जिक्र हुआ, कभी आप उस पर जरूर सोचिए। उन्होंने बालक बुद्धि को नकारात्मक रूप में स्थापित किया। वे बालक बुद्धि की सद्बुद्धि की बात कर रहे थे, एक तरह से बालक बुद्धि का उपहास उड़ाते रहे और क्रिमिनलाइज करते रहे। जिन हरकतों को मनोवैज्ञानिक दिन रात समझाते रहते हैं, बच्चे जब ये करते हैं नॉर्मल है, अच्छा है, करने दीजिए, बाद में खुद ही अपनी आदतों को बदल लेंगे। बच्चे की समझ तो सबसे निश्चल दुनियादारी के छल प्रपंच से परे माने जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी राजनीति में बाल बुद्धि को छल प्रपंच के रूप में स्थापित कर रहे थे। आजकल सिंपथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी मां भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। मां परेशान हो गई, उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी,
लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेरा फेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप हैं और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की
बालक बुद्धि से तुलना करते वक्त प्रधानमंत्री की विनम्रता अहंकार से नेक्स्ट लेवल की होती जा रही थी। वे देश को जिस नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात कर रहे थे, जल्दी ही वह लेवल उनके भाषण में दिखने लगा। उन्होंने बालक बुद्धि को एक ऐसी बुद्धि के रूप में स्थापित कर दिया जो सही नहीं सोचता, जो भी सोचता है गलत सोचता है, जिंदगी भर असफल रहता है। राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहना भी उनकी अपनी राजनीतिक उदारता है, जहां अहंकार भी छोटा पड़ जाता है, विनम्रता बहुत सयानी हो जाती है। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में अपनी पार्टी की हार को एक महान जीत में बदल दिया। 400 पार के नारे लगाए गए, 370 के नारे भी लगाए गए और 303 सीटें तो बीजेपी के पास थी ही, लेकिन 240 सीटों को उन्होंने एक बड़ी जीत के रूप में व्याख्यायित किया और स्थापित कर दिया। यह उनका राजनीतिक दृष्टिकोण और कौशल हो सकता है, इसमें गलत भी नहीं। वे बीजेपी की जीत को ओडिशा विधानसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा में टीडीपी की जीत से बड़ा बताते रहे। यूपी की हार को भी उन्होंने दूसरे तरीके से परिभाषित किया, कहा कि वहां वोट परसेंटेज बढ़ गया है लेकिन सीटें घट गई हैं, अयोध्या में हार हुई है इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन यह जरूर उपदेश दिया कि कांग्रेस को अपनी हार पर मंथन करना चाहिए। प्रधानमंत्री अपनी हार को जीत में बदल कर ले आए थे, यही उनका मंथन था, लेकिन कांग्रेस की हार को जिस तरह से उन्होंने रखा है उससे साफ हो गया कि 303 या 400 ना आने की टीस कितनी गहरी है। 1 जुलाई को राहुल गांधी ने कहा था वे विपक्ष में बैठना स्वीकार करते हैं, खुश हैं और अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन 2 जुलाई को विपक्ष में बैठने वाली कांग्रेस के बारे में प्रधानमंत्री ने कितनी सुंदर बातें कही अपने विनम्र अंदाज में। 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए। विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। क्या विपक्ष में बैठना बहुत बुरी बात है? क्या 2014 से पहले बीजेपी 10 साल लोकसभा में विपक्ष में नहीं बैठी लगातार? दिल्ली विधानसभा में लगातार 3 चुनाव एक नई पार्टी से बीजेपी हारती रही। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री कहते रहे राहुल की उम्र के बराबर सीट नहीं आएगी, विपक्षी दलों को मान्यता नहीं मिलेगी। जब कांग्रेस को 99 सीटें आ गईं और राहुल गांधी पहली बार नेता विपक्ष बन गए, तब प्रधानमंत्री उस 99 का मजाक उड़ाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी आज विशेष रूप से आक्रामक थे। उनकी देहभाषा सघन थी और नियंत्रित तरीके से अपने आक्रोश का इजहार करते रहे। राहुल गांधी के बारे में कहते समय उन्होंने जिन उदाहरणों का जिक्र किया उनमें से कुछ को लेकर कांग्रेस सत्यापन की मांग कर सकती थी, जैसे सत्ता पक्ष ने राहुल की कुछ पंक्तियों को लेकर सत्यापन की मांग की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओबीसी की जाति को चोर कहने पर
कोर्ट की सजा पा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो बरी कर दिया था। क्या प्रधानमंत्री के लिए लोअर कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस बीआर गवई ने अपने आदेश में यही तो कहा था। अहमदाबाद की निचली अदालत ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि राहुल को 2 साल की सजा क्यों दी गई, जिसके कारण उनकी सदस्यता चली गई। कोर्ट ने कहा कि राहुल का बयान अच्छे टेस्ट का नहीं था, मगर कोर्ट के आदेश ने न सिर्फ राहुल को सजा दी बल्कि उन लोगों को भी जिन्होंने राहुल को चुनकर संसद में भेजा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह बताया था कि किस तरह से उन पर 20 मुकदमे किए गए, एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, घर ले लिया गया। इसी बात का जवाब प्रधानमंत्री मोदी कैसे देते हैं, पहले उसे देखिए, फिर राहुल गांधी का भी बयान 1 जुलाई का सुनिए। आदरणीय सभापति जी, सिंपथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपये उसकी हेरा फेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं, इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है, इन पर महान स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है, इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। आई माई सेल्फ वॉज अटैक्ट। सर, ये संसद टीवी का नया फॉर्मेट देखा है, आधा आधा, ये पहले हम देखा नहीं हमने। आई माई सेल्फ वॉज अटैक्ट बाई ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाई ऑर्डर ऑब्वियसली ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 20+ केसेस, 2-year जेल सेंटेंस, my house taken away, no problem. Shame. Relentless attack in the media 24/7 every single day, abuse attack. Shame. And then the most enjoyable and beautiful part of it, 55 hours of interrogation by the ED. No, which I really enjoyed. Because by the end of the interrogation, the officer off camera, he switched off the camera and then he asked me, Rahul ji, you've been sitting here 55 hours. Aap patthar jaise ho, aap hilte kyun nahi ho? Mujhse sawal pucha usne. Pradhanmantri Modi ne keval OBC kaha. यह नहीं कहा कि ललित मोदी के संदर्भ में राहुल गांधी ने बयान दिया था, उसे ओबीसी के अपमान का मुद्दा बनाया गया, लेकिन कोर्ट में तो नहीं टिका। 2019 के चुनाव के एक पुराने मुद्दे को 2023 में सक्रिय किया गया, जब गुजरात के एक कोर्ट से फैसला आया। प्रधानमंत्री मोदी ने 370 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 370 के समय भारत का संविधान जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था। यहां संविधान सर पर रखकर नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रख सकते थे।
लेकिन दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तो यही कहा है कि अनुच्छेद 370 संप्रभुता का लक्षण नहीं है या असिमेट्रिक फेडरलिज्म का लक्षण है। मतलब तो यही हुआ कि दोनों ही संघवाद हैं, भले एक समान ना हो, एक आकार के ना हो, मगर एक सिक्के के दो पहलू हैं, संघवाद के ही पहलू हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि 370 के होने से भारत का संविधान वहां लागू नहीं था। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते। जब 370 से जम्मू कश्मीर में सब कुछ बदल ही गया तो कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े क्यों नहीं किए, इसका जवाब प्रधानमंत्री ने आज के भाषण में नहीं दिया। इसका भी नहीं कि लद्दाख में बीजेपी क्यों हार गई, इसका जवाब उनके भाषण से आना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी की बोलने की यानी लंग्स की कैपेसिटी का आज अंदाजा मिल गया, कमाल की है। विपक्ष की तरफ से नारेबाजी बढ़ती चली जा रही थी और उनकी आवाज ऊंची होती जा रही थी, थके भी नहीं। प्रधानमंत्री पहले भी कई बार 2014 से पहले के भारत का राजनीतिक चित्रण कर चुके हैं, लेकिन आज वे काफी देर तक 2014 के समय की याद दिलाते रहे, यानी जब उन्हें प्रचंड बहुमत मिला था और वे प्रधानमंत्री बने। काफी लंबे समय के लिए वे अतीत के उस कालखंड में चले गए और वहां से उन्होंने लोकसभा को संबोधित करना शुरू कर दिया कि जैसे वो स्पष्ट बहुमत लाने वाले दल के नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से पहले के 7 शब्दों का जिक्र किया कि भारत में कुछ नहीं हो सकता है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के उन दिनों को याद कीजिए, उन 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमारे देश के लोगों ने उनका आत्मविश्वास खो चुका था, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। ऐसे समय 2014 के पहले देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी अमानत खोई थी, वो था देशवासियों का आत्मविश्वास। और जब विश्वास और आत्मविश्वास हो जाता है तब उस व्यक्ति को, उस समाज को, देश को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है और उस समय सामान्य मानवी के मुंह से यही निकलता था कि वो इस देश का कुछ हो नहीं सकता। उस समय हर जगह पे ये 7 शब्द सुनाई देते थे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यही शब्द 2014 के पहले सुनाई देते थे। भारतीयों की हताशा के इन 7 शब्द एक प्रकार से पहचान बन गए थे। प्रधानमंत्री को लगता है कि 2014 के बाद से बदलाव को लेकर एक विश्वास पैदा हुआ है, लग सकता है, लेकिन यह भी उसी भारत के आंकड़े हैं जो मैं दे रहा हूं। आज पहले से ज्यादा छात्र विदेश पढ़ने के लिए जा रहे हैं, भारी मात्रा में कर्ज ले रहे हैं, भारत का पैसा पढ़ाई के नाम पर बाहर जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अब ज्यादातर छात्रों को विदेशों में भी ढंग की नौकरी नहीं मिल रही। आज ही द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट नाम की एक वेबसाइट पर प्रदीप साहा की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें प्रदीप साहा ने बताया है कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का आंकड़ा है कि 2023 के पहले 10 महीने में 7,65,000 भारतीय छात्र विदेश पढ़ने गए, 2022 में 7.5 लाख से कुछ अधिक छात्र विदेश पढ़ने गए। यह केवल अच्छे संस्थान की तलाश में पलायन नहीं है, बल्कि इसके पीछे यह भी समझदारी है कि भारत के शिक्षण संस्थान अब जीवन के 5-7 साल बिताने लायक नहीं है,
पिछले 10 साल में इनका स्तर और घटिया हुआ है। अभी पिछले महीने खबर आई थी, कई जगह आपने पढ़ी होगी, कि भारत के 4,300 करोड़पति भारत से बाहर जाकर बसने की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने हिसाब से आईने में देश की तस्वीर देख रहे थे, दिखा रहे थे, लेकिन यह सब भी आंकड़े भाषण के बाहर आपको मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के किसी इकोसिस्टम की बात करते रहे, लेकिन गोदी मीडिया और आईटी सेल के साधन संपन्न इकोसिस्टम की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने एक तरफ इशारा किया और अपनी तरफ का देखना भूल गए। वो लोग जो देश छोड़कर बसने जा रहे हैं, जो विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, उन्होंने भारत की प्रगति को क्यों नहीं स्वीकार किया, ये प्रधानमंत्री को उनसे पूछना चाहिए। यह भी पूछ लेना चाहिए कि क्या वो किसी इकोसिस्टम के प्रभाव में भारत छोड़कर जा रहे हैं। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। यह देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। आपने इस बयान को ठीक से सुना ही होगा, एक बार YouTube पर दोबारा चलाकर देख लीजिए। प्रधानमंत्री चेतावनी दे रहे थे, मगर इसमें धमकी का भी स्वर था। चुनाव के समय अक्सर इंटरव्यू में कहा करते थे गोदी एंकरों को कि इस इकोसिस्टम का आप एंकरों पर दबाव है, सवाल पूछने का दबाव है, इस इकोसिस्टम का समाधान भी वही करेंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी यह इशारा कर रहे हैं कि 2014 के बाद की तरह एक बार फिर से देश प्रेम के नाम पर पत्रकारों, लेखकों पर हमला किया जाएगा, बिना सबूत के लोगों को जेलों में डाला जाएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी उन यूट्यूबरों को भी चेतावनी दे रहे हैं जो गोदी मीडिया नहीं बन सके? एक राज्य के मुख्यमंत्री को बिना किसी ठोस सबूत के 5 महीने तक के लिए जेल में डाला गया, हेमंत सोरेन को, इसके पीछे कौन सा इकोसिस्टम था? प्रधानमंत्री ने इसका जवाब नहीं दिया। ये इसी इकोसिस्टम की ताकत है जिसके दम पर प्रधानमंत्री ने यह चेतावनी आप सभी को दी है। इस चुनाव में नौकरी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को मजबूती से खारिज कर दिया। देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं, उसको विस्तार हो, उसको एक नए रूप रंग मिले, आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हो और उसके आधार पर इंडस्ट्री 4.0 में भी भारत लीडर के रूप में उभरे और हमारे नौजवानों का भविष्य भी संवरे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एक स्टडी है कि पिछले 18 साल में, ये स्टडी बड़ा महत्वपूर्ण है, यह अध्ययन कहता है कि पिछले 18 साल में प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन में आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है, 18 साल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। आज नौकरियां कैसी हैं? आईटी सेक्टर के शुरुआती 5 साल में सैलरी ठहर गई है, इस तरह की कई रिपोर्ट आती रहती है, क्या वह सब झूठ है? अग्निवीर पर प्रधानमंत्री बोले और नीट पर भी उन्होंने कहा कि अग्निवीर को लेकर झूठ बोला गया,
लेकिन उन्होंने अग्निवीर पर विस्तार से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अग्निवीर को लेकर जितने सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि वे चुप रहकर सेना में सुधार कर रहे हैं। इसलिए हम लगातार युद्ध योग्य सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। समय पर रिफॉर्म न करने के कारण हमारी सेना का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये सार्वजनिक बातें कहने योग्य नहीं होने के कारण मैं मेरे मुंह को ताला लगा करके बैठा हूं। आदरणीय सभापति जी, देश की सुरक्षा एक गंभीर मसला होता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे रिफॉर्म्स का उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में, अब युद्ध के रूप बदल रहे हैं, संसाधन बदल रहे हैं, शस्त्र बदल रहे हैं, टेक्निक बदल रही है, ऐसे में हमें हमारी सेनाओं को उसी चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जिसको निभाने के लिए गालियां खा करके भी, झूठे आरोप सह करके भी, मुंह पर ताला लगा करके हम काम कर रहे हैं। ऐसे समय देश की सेना को आधुनिक बनाना, सशक्त बनाने के, ऐसे समय कांग्रेस क्या कर रही है? ये झूठ फैला रहे हैं। ये डिफेंस रिफॉर्म के प्रयासों को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है, परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर में हो रहे पेपर लीक पर प्रधानमंत्री ने इतना ही कहा। आज ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था कि नीट को लेकर लोकसभा में बहस होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पूरे भाषण में मणिपुर का जिक्र नहीं किया। उनसे पहले विपक्ष के तमाम नेताओं ने मणिपुर का जिक्र किया था तो जवाब देने की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन क्या विपक्ष को मणिपुर को लेकर लगातार नारे लगाने चाहिए थे जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे? एक दो बार के लिए नारे लगाए जा सकते हैं, लेकिन पूरे भाषण के दौरान नारे लगाने की रणनीति सही नहीं लगी। विपक्ष को प्रधानमंत्री का भाषण भी धीरज से सुनना चाहिए था। सरकार की तरह नियमों का उल्लेख कर सत्यापित करने की मांग करनी चाहिए थी कि कहां कहां प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं और कहां सत्यापित किए जाने की जरूरत है, लेकिन यही बात सरकार से भी है। उसे भी सोचना चाहिए था कि मणिपुर का जिक्र प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते हैं, इसमें मणिपुर का क्या गुनाह है? जब मणिपुर को लेकर नारे शुरू हुए तभी प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर को आश्वस्त कर सकते थे कि बोलने वाले हैं, वे मणिपुर को कुछ संदेश दे सकते थे। जिद पर तो प्रधानमंत्री भी अड़े रहे। जब मणिपुर को लेकर नारे लगते रहे उन्हें अनदेखा करना चाहिए था। जब भी आप विपक्ष के नारे लगाने पर विचार करें इस बिंदु पर भी विचार करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान लगातार नारे लगाए जाने की घटना की निंदा की
कि विपक्ष का यह बर्ताव सही नहीं था। बाद में गृहमंत्री अमित शाह ने स्पीकर से कहा कि इस निंदा प्रस्ताव को सदन के पटल पर लाया जाए और निंदा प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, मैं आज आपके माध्यम से देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी, उस समय जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन चल रहा था, जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा संसदीय मर्यादाओं का लगातार तार तार जिस तरीके से किया गया है, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस कृत्य की यह पूरा सदन भर्त्सना करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण यूपी के हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत पर संवेदना जताकर किया। उन्होंने भाषण रोक दिया, इस दुर्घटना पर संवेदना जताई। खबरें आ रही हैं कि मरने वालों की संख्या 100 से भी ज़्यादा हो सकती है। ये शुरुआती सूचना है, हम बहुत ज़्यादा अभी इसकी जानकारी नहीं रखते हैं। लेकिन उसी वक्त जब आप हाथरस में हुई दुर्घटना पर बोल रहे थे, विपक्ष की तरफ से मणिपुर पर बोलने के लिए नारे लगे, प्रधानमंत्री ने तब भी अनदेखा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण लंबा है, मेरे लिए यह दावा करना कि सभी पहलू इसमें शामिल हैं सही नहीं होगा। कई पहलुओं पर आज के लिए छोड़ रहा हूं, आगे अवसर आया तो विश्लेषण में शामिल करूंगा। प्रधानमंत्री के बयानों के उल्लेख का अवसर आ ही जाता है, लेकिन आज उनके भाषण में जो दिखा वो चिंता का कारण होना चाहिए। संसद सत्र की शुरुआत में उन्होंने जिस सहमति और सहयोग की बात की, ऐसी बातों की उदारता औपचारिकता के दो पल भी टिक नहीं पाए। उन्होंने जिस गर्व से कहा कि मोदी ना झुका है ना झुकेगा, वो टकराव की राजनीति की याद दिला गए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।